जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई थी जब घर में सो रहे बाबा और विवाहित नातिन की हत्या कर दी गई थी। जी हां, हत्या के पीछे क्या राज था, आखिर क्यों की दोनों की हत्या? दोनों हत्याएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है जिसका आज पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए विवाहिता के पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध थे और वह ससुराल नहीं जाती थी। जी हां, पति ने बताया कि साथी के साथ मिलकर दीवार कूदकर घर में घुस गई और पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए जिसका विवाहिता ने विरोध किया और शोर मचाया तो पास में सो रहे बाबा जाग गए, जिन्होंने पोती को बचाने का प्रयास किया तो उनके सिर पर प्रहार कर मरणासन्न कर दिया और बाद में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। कहीं राज ना खुल जाए के उद्देश्य से दोनों ने विवाहिता की भी गला घोट कर हत्या कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो ना इनके पत्नी को मारने में और इनके बाबा को मारने में कितना सहयोग किया था, क्यों किया था? सर मैंने क्या किया, मैंने तो पहले भी निर्दोष हूँ, तो जबरदस्ती बताया जा रहा है। अच्छा, तुम इनके साथ नहीं गए थे? साथ गए थे। फिर बाबा को क्यों मारा? अंदर नहीं गया था, फिर जबरदस्ती फिर मैं चिल्ला रहा, फिर अंदर गया तो मैंने बाबा को मारा। तब मारा था बाबा को? कैसे मारा था? गला दबा। फिर पत्नी की हत्या क्यों की, सोनी की हत्या क्यों की? सोनी की हत्या सर हम दोनों लोगों ने की। क्यों? ये कंपनी काम कर रहा था। हाँ, उधर गई फिर देख के चिल्लानी। फिर मरने के बाद भी तुमने उसके साथ रेप किया? मरने के बाद कोई रेप नहीं किया। संतोष, संतोष क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? सोनी। सोनी तुम्हारे साथ मतलब जाने के लिए क्यों राजी नहीं होती थी? वो तो राजी होती थी, जगह मोहल्ले वाले एक उनकी मास्टर है वो और उनके बाबा वगैरह जी लोग। अच्छा, तो तुमने उसको मारा क्यों? तो सर पहली बात तो बदचलन थी, कम से कम 4-6-10 महीनों को फोन करती थी, काम नहीं करवाती थी। अच्छा, घर में ही? तो ये सख्त था तुम्हें पहले से ही? फिर ये सर शादी होने से 6 महीने बाद भी मैंने कहीं घर पर बोला, उन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने शादी की थी। अच्छा, तो उन्होंने मेरा यकीन नहीं माना। तो तुमने अकेले मारा था उसको? क्यों? सोनी को और उसके पापा को, बाबा को? बाबा को सर इन्होंने मारा था। क्या नाम था तुम्हारी शादी का सर? ये तुम्हारे साथ में कौन गया था, किसने मारा था? नेपाल सर। ये कहाँ के रहने वाले थे? खेतपुरा। अच्छा, इसको क्या कह के ले गए थे घर पे? सर और मैंने तड़प रहे थे तो मेरा कांड करा दो। अच्छा, मतलब इसके साथ भी संबंध बनवा दो ये कह रहे थे? मतलब इसके साथ में भी संबंध बनवाए थे अपनी पत्नी? उतने घर नहीं बोले थे हमसे, ये भी मन करने लगे। अच्छा, फिर तुमने हाथ पकड़े और इसके साथ भी करवाया? मेरी मैडम ने इनको देख लिया तो सर चिल्लाने लगी, बाबा उठे आए तब तक। फिर बाबा को मार दिए? बाबा को इन्होंने दीवार लगी हुई है, कसमार दो हुए। फिर गमछे से मारा, गला भी दबाया था? हाँ सर, ऊँचा सर वो बना रहा उससे। तो अपने पत्नी के साथ रेप भी करवाया था? किस? नहीं सर। तब कितने लोगों के साथ तुम्हारी पत्नी के संबंध थे? संबंध तो सर हमारे दिमाग से तो 7-8 लगे हुए थे। अच्छा, उसमें सबसे पहले कौन था? सबसे पहले सर मैंने घर पर इनको फोन करते हुए पकड़ा तो सुमित का नाम रखा है पहले, फिर दोबारा करते पकड़ा कौशल का नाम रखा, मैंने अपने गांव में भी इसे सारे करते पकड़ लिया। अच्छा, क्योंकि बाबा घर पर थे, उनसे भी कहा, हमारे हमने कहा, हमारे घर वालों ने भी कहा। अच्छा, तुम्हारे गांव में भी संबंध थे इसके? तुम्हारे गांव में भी? मतलब सोनी के संबंध ससुराल में भी हो गए थे? ससुराल में भी हो गए, लड़का त्रिभुवन के साथ। अच्छा, ये त्रिभुवन कौन लगता था तुम्हारा? ये सर ना मेरे घर का है ना खानदान का, मेरा तो पड़ोसी था। पड़ोसी है। ठीक, तो कई लड़कों के साथ संबंध थे? बताओ सर, प्रवीण का मोबाइल भी इसके पास था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक, सूट भी दे के आया ये। अच्छा, यहीं खेतपुरा। तुम्हें घास नहीं डालती थी वो? वो डालती थी, वो तो सर ऐसी थी बस चल, वो तो हर आदमी घास डालती थी, कोई कुछ भी कह दे हंस के दिखा देती थी, पकड़ जाती थी तो नहीं दिया। औरंगपुर थाना कुरावली में 28 तारीख की सुबह एक वृद्ध व्यक्ति की और उसके नातिन की डेड बॉडी घर में मिली थी। वृद्ध व्यक्ति के सर पे भी चोट थी और दोनों की गला दबा के हत्या हुई थी। इस घटना को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेते हुए आज उसका अनावरण किया है। पूरे तथ्य इस प्रकार से है कि इस लड़की की शादी हुई थी 4-5 साल पहले हैदराबाद एटा में, और शादी के बाद से पति से अनबन थी और पिछले 5 महीने से वो मायके में रह रही थी।
पति इस बीच में कम से कम 20 बार उसको लेवाने के लिए आया, विदा कराने, वो विदा कर तैयार नहीं हुई। और वृद्ध व्यक्ति भी उससे उसकी नाराज़गी काफ़ी रहती थी अपने जो नातिन के दामाद से। इसी घटनाक्रम में ये पति सतीश और उसके दोस्त ने मिलकर घटना कारी थी, उसके घर पहुँचे और पत्नी से पति का संबंध हुआ। इसके बाद दूसरा व्यक्ति सामने आया, इस बीच में महिला ने नाराज़गी व्यक्त की, उस नाराज़गी में आवाज़ हुई, आवाज़ के क्रम में उसके दादा की नींद खुली और परिणति फिर पहले बुजुर्ग व्यक्ति की फिर महिला की हत्या में हुई। जी सर, बताया जाता है कि जो ना मृत के बाद भी रेप किया गया था, ऐसा क्या लोगों का कहना है? नहीं, अभी इस बिंदु पे ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं आई है जिसको आप इसको प्रमाणित रूप से कह सकें। ये जो संबंध हुआ वो मरने के पहले हुआ और पत्नी के साथ हुआ था। दूसरा व्यक्ति जब उसमें जब उसके पास गया तो उसने विरोध कर दिया, और अगर विरोध न करती तो शायद ये घटना ही ना होती। तो सर क्या लगता है, जो पति था उसका साथी जो है ना, क्या उसने भी उस महिला के साथ रेप किया? नहीं, अभी इस पर हम अभी जाँच कर रहे हैं, अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कुछ कह सकते। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।